राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सामरा निटिंग क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये ड्रेस बनाने बताऊंगी। ये ड्रेस 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की है और ये इसके साथ की हैट। और ये नेपी है। हम ये कंप्लीट सेट बनाने सीखेंगे और आज मैं ये ड्रेस बनाने बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ड्रेस बनाने के लिए मैं 3 mm क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी, 11 नंबर, और 3 ply वूल यूज़ करूँगी। ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की मैंने चोली बनाकर तैयार की है। इसका सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चोली वहाँ से देख कर बना लें और घेरा आज हम यहाँ से बनाएंगे। यहाँ मैंने चोली को स्लिप स्टिच लगाकर यहाँ ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट राउंड देखिए, 1 2 3, 3 चेन लेकर मैं सेम स्टिच में ही डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फर्स्ट डबल क्रोशिया ये काउंट होगा जो 3 चेन है, और सेम में मैंने एक और डबल क्रोशिया बना दिया है। अब यहाँ फर्स्ट राउंड में हमें एवरी चेन स्टिच में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाना होगा। नेक्स्ट में भी मैं 2 बार बनाऊंगी। फिर से 2 बार सेम स्टिच में 2 बार बनाना है। देखिए इस तरह सभी में 2 2 बार बनाते हुए मैं ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट राउंड बनाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने सभी चेन स्टिचेस में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। और अब मैं राउंड को ज्वाइन करूँगी। ये 3 जो हमने चेन ली थी, यहाँ पर 3rd वाली चेन स्टिच में 1 slip stitch बना दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब 2nd राउंड के लिए मैं 6 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए यहाँ मैंने 6 चेन ले ली हैं, और अब मैं यहाँ पर 3 चेन स्किप करूँगी, 1 2 3। ये 4th वाला जो चेन स्टिच है इसमें मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखिए ये इस तरह से एक लूप तैयार हो गया है। अब इस राउंड में हमें सभी इसी तरह के लूप तैयार करने होंगे। फिर मैं 6 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ से 3 चेन स्किप करके 4th वाले चेन स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1 2 3। ये देखिए ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। 6 चेन लेकर 4th वाले चेन स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बीच की 3 जो चेन है वो हमें स्किप करनी है, 1 2 3, इस तरह से 1 2 3। ये बीच की 3 चेन स्किप करके 4th वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, ये राउंड इसी तरह कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड्स, ये राउंड भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है, देखिए। और इस राउंड के एंड में मेरे पास 9 लूप तैयार हुए हैं। मैं इस राउंड को यहाँ ज्वाइन करूँगी जहाँ पर हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था, सॉरी चेन ली थी यहाँ पर। यहाँ पर मैं 1 slip stitch बनाकर इसे ज्वाइन कर दूँगी। स्लिप स्टिच बनाने के बाद में मैं ये फर्स्ट वाला जो हमारा लूप तैयार हुआ है इसमें 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 3। और अब हम लीफ बनाना तैयार करेंगे जैसे हमने ये ड्रेस में बनाई है। ये देखिए इस तरह से लीफ बनाने के लिए मैं 16 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए मैंने 16 चेन ले ली हैं, और मैं अब ये ऊपर की 6 जो चेन है इन्हें स्किप करूँगी, 1 2 3 4 5 6
सेवन्थ वाली जो चेन स्टिच है इसमें मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, और फिर मैं दो चेन लूँगी, वन टू। दो चेन लेने के बाद यहाँ पर दो चेन स्किप करके थर्ड वाली चेन में मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं दो चेन लूँगी और फिर से दो चेन स्किप करके थर्ड वाले चेन स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से ऐसे ये स्पेस जो है यहाँ इस तरह से दिखने लगेंगे। और अब मैं फिर से दो चेन लूँगी और फिर से यहाँ दो चेन स्किप करके थर्ड वाली चेन स्टिच में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से दो चेन, और अब हमने जो यहाँ तीन सिंगल क्रोशिया बनाए थे तो यहाँ पर जो थर्ड वाला सिंगल क्रोशिया है उसका हमें ऊपर से इस तरह से दो थ्रेड उठाने हैं। ये देखिए ये फर्स्ट, और ये उसी के साथ यहाँ ऊपर सेकंड, इस तरह से उठाने हैं। ये जो हमने तीन सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसमें से ये थर्ड वाला सिंगल क्रोशिया मैंने इस तरह से उठा लिया है, और अब मैं यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाकर इसे ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से। यहाँ पर इस तरह के पांच स्पेस बन के तैयार हुए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। अब मैं पांच चेन लूँगी, वन टू थ्री फोर फाइव। इसके बाद मैं वर्क को टर्न कर दूँगी और ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पर हमारा ये स्पेस है इसमें हम काम नहीं करेंगे, इसे मैं छोड़ दूँगी और सेकंड वाले में यहाँ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर से दो चेन और नेक्स्ट वाले स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर से दो चेन, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर से दो चेन लूँगी। और अब मैं ये टॉप वाले स्पेस में आ गई हूँ यहाँ, तो इसमें मैं पांच बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी और साथ के साथ दो चेन लेती जाऊँगी। देखिए फर्स्ट, फिर से दो चेन, ये सेकंड डबल क्रोशिया, फिर से दो चेन, थर्ड, फिर से दो चेन, ये देखिए मैंने पांच डबल क्रोशिया यहाँ बना लिए हैं। अब मैं फिर से दो चेन लूँगी, ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और दो चेन। यहाँ लास्ट में आकर मैं इसे फिर से स्किप कर दूँगी, एक डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ दो चेन। इसी तरह मैं सेकंड लास्ट तक आ जाऊंगी। ये देखिए यहाँ मैंने सेकंड लास्ट में भी एक डबल क्रोशिया बना लिया है, और अब जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट वाला जो था यहाँ स्किप कर दिया था और पांच चेन लेकर फर्स्ट में मैंने बनाया था सेकंड में बनाया था, इसी तरह अब मैं यहाँ पर पांच चेन लूँगी जैसे ये पांच चेन ली थी। ये देखिए फाइव चेन लेने के बाद में अब मैं इसे यहाँ ज्वाइन करूँगी लीफ के यहाँ सेंटर में, स्लिप स्टिच बनाकर ज्वाइन करूँगी। लीफ किस तरह से यहाँ ज्वाइन हो गई, एक चेन लेकर वर्क को टर्न करूँगी। जहाँ हमने ये पांच चेन ली हैं यहाँ पर मैं पांच बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी,
ये 5 सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं और अब मैं 4 चेन लूँगी, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद जो ये मैंने 5th वाला सिंगल क्रोशिया बनाया है और इसमें से अब मैं ये ऊपर के 2 थ्रेड उठा लूँगी इस तरह से, ये देखिए। और अब मैं यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाऊँगी इस तरह से, ये एक छोटा सा पर्ल बनकर तैयार हो जाएगा यहाँ, देखिए। अब नेक्स्ट में यहाँ पर 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 3। 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर से मैं ये पर्ल बनाऊँगी, 4 चेन लूँगी, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद में फिर से इसी तरह सिंगल क्रोशिया को उठाऊंगी, ये दोनों थ्रेड यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना दूंगी इस तरह, फिर से 3 बार सिंगल क्रोशिया, ये देखिए। फिर से पर्ल बनाने के लिए 4 चेन लूँगी और ये थर्ड वाला सिंगल क्रोशिया यहाँ से उठाऊँगी, ये देखिए। इस तरह से स्लिप स्टिच बनाकर पर्ल को तैयार कर दूँगी। ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा, सभी में 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाकर उसके ऊपर एक एक पर्ल बनाते जाएंगे। ये राउंड कंप्लीट करके फिर बताऊँगी। फ्रेंड्स देखिए, ये लीफ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर सभी में मैंने 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर यहाँ पर्ल बनाया। अब मैं यहाँ लास्ट में आ गई हूँ, अब मैं यहाँ फिर से 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, यहाँ सेकंड लास्ट में, 1 2 3 1 2 3 4। फिर से यहाँ सिंगल क्रोशिया यहाँ पर उठाऊँगी। ये चेन के लास्ट में ही आपको 2 थ्रेड यहाँ ऊपर इस तरह से दिखाई देंगे और अब यहाँ स्लिप स्टिच बना दूँगी इस तरह से। और अब ये लास्ट में जहाँ हमने 5 चेन ली थी, यहाँ पर 5 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखिए, अब लीफ को यहाँ सेंटर में जॉइन करूँगी, यहाँ स्लिप स्टिच बनाऊँगी कि देखिए, स्लिप स्टिच बनाकर मैंने यहाँ इसको लीफ को जॉइन कर दिया है। अब यहाँ 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे यहाँ इस लूप की स्टार्टिंग में हमने बनाए थे, 1 2 3। ये देखिए, इस लीफ की यहाँ स्टार्टिंग करने से पहले हमने यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया लिए थे और अब एंड में भी हमने यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया लिए हैं। अब हमें यहाँ पर दूसरे लूप में भी इसी तरह लीफ तैयार करनी होगी। उसके लिए फिर से मैं यहाँ 3 बार सिंगल क्रोशिया लूँगी, तीन सिंगल क्रोशिया लेने के बाद में मैं 16 चेन लूँगी, यहाँ मैंने 16 चेन बना ली हैं। अब मैं यहाँ पर 6 चेन स्किप करके पहले वाले लीफ की तरह ही यहाँ पर 7th चेन स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना दूँगी, फिर से 2 चेन और यहाँ पर 2 चेन स्किप करके 3rd वाले चेन स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया। ये लीफ भी बिल्कुल पहले वाली लीफ की तरह ही बनेगी, फिर से 2 चेन और यहाँ पर भी मैं 2 बार स्किप करके 2 चेन स्किप करके 3rd वाले में एक डबल क्रोशिया और 2 चेन, इसी तरह मैं यहाँ एंड तक आ जाऊँगी। फ्रेंड्स, एक डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाते हुए मैं यहाँ पर लास्ट में आ गई हूँ। अब मैंने यहाँ 2 चेन ले ली हैं और अब मैं इसे यहाँ जॉइन करूँगी, जो मैंने 3rd वाला सिंगल क्रोशिया बनाया था
उसकी इस तरह से मैं दो थ्रेड उठा लूँगी। ये देखिए, अब यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाऊँगी। ये देखिए, अब पांच चेन लूँगी, 1 2 3 4 5, पांच चेन लेकर वर्क को टर्न करूँगी और ये फर्स्ट वाला जो होल है इसे स्किप करके सेकंड वाले में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और दो चेन, सेम पहले की तरह। अब इन सभी में भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और दो चेन, यहाँ ऊपर टॉप तक पहुँचेंगे जब हम, तो यहाँ पर हमें पांच बार डबल क्रोशिया और दो चेन लेना होगा। यहाँ मैं एंड तक आकर फिर से बताऊँगी। फ्रेंड्स, एक डबल क्रोशिया और दो चेन बनाते हुए मैं यहाँ लीफ के एंड में आ गई हूँ। अब यहाँ सेकंड लास्ट में यहाँ पर बनाऊँगी। मैंने यहाँ दो चेन ले ली हैं, एक डबल क्रोशिया, और अब यहाँ लास्ट में जहाँ हमने यहाँ पांच चेन ली थी, सेम यहाँ पर भी हमें पांच बार चेन लेनी है, 1 2 3 4 5। अब इसे यहाँ सेंटर में ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए, एक चेन लेकर वर्क को टर्न करूँगी। ये जहाँ पांच हमने चेन ली हैं यहाँ पर पांच बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम पर्ल नहीं बनाएंगे, पहले हम यहाँ दो चेन लेकर ये जो हमने पहले लीफ बनाई है इसे एक के साथ में दूसरी लीफ को ज्वाइन करना है। तो यहाँ जो ये फर्स्ट वाला पर्ल है इसमें हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और जो दो चेन हमने ली हैं यहाँ पर इस लूप को लेकर यहाँ पर हमें ये लीफ एक के साथ दूसरी को ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह, फिर से मैं दो चेन लूँगी। दो चेन लेने के बाद यहाँ जो फिफ्थ वाला सिंगल क्रोशिया है इसे ऊपर से इस तरह से यहाँ पर दोनों को उठाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से ये लीफ एक के साथ दूसरी ज्वाइन हो गई है। इसी तरह मैं दूसरी बार इसे यहाँ पर फिर से ज्वाइन करूँगी। ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ पर तीन बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। दो चेन लूँगी, दो चेन लेकर इस लूप को यहीं छोड़ दूँगी और ये जो सेकंड वाला पर्ल है इसमें क्रोशिया हुक को डालूँगी और इस लूप को यहाँ से लेकर इसमें इस तरह ज्वाइन करूँगी। फिर से दो यहाँ दो चेन लेकर सिंगल क्रोशिया को मैं यहाँ से उठाऊँगी, इस तरह से यहाँ से उठाकर इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच बना दूँगी। ये देखिए ये यहाँ ज्वाइन हो गया है। अब मैं इसी तरह सारे पर्ल्स यहाँ पर फिर से बनाऊँगी। तीन बार सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। तीन बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद चार चेन लूँगी पर्ल बनाने के लिए और फिर यहाँ से यहाँ सिंगल क्रोशिया उठाऊँगी थर्ड वाला और इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूँगी। ये देखिए इस तरह पर्ल बन जाएगा। ये राउंड भी मैं इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी और जब ये नेक्स्ट लीफ बनेगी तो उसे इसी तरह हमें दूसरी लीफ से ज्वाइन करना होगा। इसी तरह सारी लीव्स बनाकर मैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये सभी लीव्स अब मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं और सभी लीव्स को एक दूसरे के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो लास्ट में लीफ है मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगी। ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर जो ये नीचे से यहाँ पर जो थर्ड वाला स्पेस है यहाँ पर मैं पर्ल नहीं बनाऊँगी, इसे यहाँ ज्वाइन करूँगी। ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ तीन सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। तीन सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने दो चेन ले ली हैं। अब मैं यहाँ जो
फर्स्ट वाली हमारी लीफ है, इसका ये जो सेकंड लास्ट पर्ल है, सेकंड लास्ट पर्ल के साथ मैं इसे ज्वाइन करूँगी। देखिए इस तरह से फिर से दो चेन लूँगी और यहाँ पर थर्ड वाला सिंगल क्रोशिया उठाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाऊँगी। फिर यहाँ पर जो सेकंड लास्ट स्पेस है ये बचा है और इसमें भी मैं तीन बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर से दो चेन और अब इसे यहाँ पर जो ये लास्ट में एक पर्ल बचा है इसे यहाँ इसके साथ ज्वाइन कर दूँगी। फिर से दो चेन और यहाँ जो ये सिंगल क्रोशिया है इसे उठाऊँगी लास्ट में, ये देखिए इस तरह से ज्वाइन कर दूँगी। अब यहाँ पर जो हमने लास्ट में ये जो स्पेस है इसमें पांच चेन ली थी, इसमें मैं पांच बार सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। ये देखिए मैंने इसमें पांच बार सिंगल क्रोशिया बना दिया है और अब मैं लीफ को यहाँ सेंटर में ज्वाइन कर दूँगी यहाँ पर। सेंटर में ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ ये लूप में जहाँ हमने लीफ स्टार्टिंग करने से पहले जहाँ हम तीन सिंगल क्रोशिया लेते हैं, लास्ट में भी मैं यहाँ पर तीन बार सिंगल क्रोशिया लूँगी। सिंगल क्रोशिया लेने के बाद यहाँ राउंड को ज्वाइन करूँगी। ज्वाइन करने के लिए जो हमने सबसे पहले यहाँ चेन स्टिच बनाया था उसमें एक स्लिप स्टिच बना दूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर थ्रेड को कट कर दूँगी। फ्रेंड्स देखिए ये ड्रेस कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुई है और अब मैं यहाँ चोली की किनारी बनाने बताऊँगी। फ्रेंड्स चोली की किनारी मैं यहाँ बनाऊँगी ये जो चोली के डबल क्रोशिया हैं इनके यहाँ जो ये स्पेस है यहाँ पर मैं किनारी बनाऊँगी और यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी ये जो सेकंड लास्ट रो है चोली की यहाँ से स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चेन बनाऊँगी और सेम जो स्पेस है इसमें एक बार सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में दो बार सिंगल क्रोशिया। ये किनारी हम इसी तरह बनाएंगे, एवरी स्पेस में हमें दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना होगा। मैं यहाँ पर भी दो बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। अब मैं यहाँ नेक की साइड में आ गई हूँ एंड में, यहाँ पर मैं दो बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और थ्रेड को नेक की साइड में टर्न करने के लिए मैं एक चेन लूँगी और सेम प्लेस पर मैं फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह। अब नेक बनाने के लिए मैं यहाँ पर दो डबल क्रोशिया स्किप करूँगी इस तरह से। दो डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद यहाँ पर मैं दो बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक का एरिया हम इसी तरह बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये दो डबल क्रोशिया हैं, मैं इसे स्किप करूंगी और फिर यहाँ बनाऊंगी। नेक का एरिया मैं इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी यहाँ तक। फ्रेंड्स नेक का एरिया बनाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं यहाँ लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में आकर अब मैं एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। थ्रेड को यहाँ नीचे की तरफ टर्न करने के लिए एक बार चेन लूँगी और फिर इसी स्पेस में दो बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब यहाँ पर जो थ्रेड है वो नीचे की तरफ को टर्न हो गया है और अब फिर सेम जैसे हमने फ्रंट बनाया था उसी तरह से यहाँ पर डबल क्रोशिया के स्पेस में दो बार मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी।
और यहाँ मैं लास्ट में आ गई हूँ, यहाँ पर भी दो बार सिंगल क्रोशिया लाऊंगी, एक चेन लेकर थ्रेड को कट कर दूंगी। ये देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार होगा। अब ये जो थ्रेड है इसे मैं यहाँ बैक साइड में लेकर जाऊंगी और यहाँ पर मैं नॉट लगा दूंगी। ये जो दोनों थ्रेड हैं फ्रंट साइड के उन्हें एक साथ यहाँ पर नॉट लगा दूंगी। ये देखिए और अब मैं बाजू बनाऊंगी। फ्रेंड्स बाजू मैं यहाँ से बनाने स्टार्ट करूँगी। ये जो बाजू जहाँ पर यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर यहाँ से बनाने स्टार्ट करूँगी। एक चेन लेकर यहाँ पर थ्रेड को स्टार्ट करूँगी और सेम प्लेस पर फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया। अब ये बाजू जो है वो इसी तरह बनेगी जैसे हमने नेक बनाया था। दो डबल क्रोशिया यहाँ पर मैं स्किप करूँगी और दो बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए और अब फिर से मैं दो डबल क्रोशिया यहाँ स्किप करूँगी और दो सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। ये बाजू भी मैं इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये मैं बाजू के एंड में आ गई हूँ और अब यहाँ पर मैं एक चेन लेकर थ्रेड को कट कर दूँगी। ये देखिए और ये बाजू के दोनों जो थ्रेड हैं इन्हें बैक साइड में ले जाकर इन्हें भी मैं नॉट लगा दूँगी जैसे मैंने नेक के लिए नॉट लगाई थी। ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये बाजू की मैंने यहाँ नॉट लगा दी है और जो ये थ्रेड हैं जो एक्स्ट्रा इन्हें मैं यहाँ पतले वाले क्रोशिया से इसी में मर्ज कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से बाजू बन गई है। इसी तरह मैं दूसरी वाली बाजू भी बना लूंगी। फ्रेंड्स ये दोनों बाजू बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए और अब मैं इस ड्रेस में डोरी बनाने बताऊंगी जैसे कि मैंने इस वाली ड्रेस में बना रखी है इस तरह से। अब हम ये डोरी बना फ्रेंड्स डोरी बनाने के लिए मैं यहाँ 70 चेन्स लूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह मैं 70 चेन बना लूँगी। फ्रेंड्स मैंने ये 70 चेन्स बना ली हैं और डोरी को आप इस तरह से ड्रेस पर यहाँ ऐसे लगा कर देख लें। आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए आप उतनी चेन्स बना लीजिए। और अब मैं यहाँ ये थोड़ा सा मैंने थ्रेड छोड़ लिया था एंड में कट करते समय, अब इसी में मैं नीडल को डालूँगी और डोरी को यहाँ पिरोऊँगी। फ्रेंड्स मैंने यहाँ नीडल डाल ली है और अब मैं डोरी को पिरोऊँगी। डोरी को पिरोने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि डोरी सीधी ही हमें पिरोनी है। यहाँ पर ये जो प्लेन है ये डोरी का फ्रंट साइड है और इस तरह हम करेंगे। ये देखिए ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये डोरी की बैक साइड है। अब मैं यहाँ फ्रंट साइड से डोरी को पिरोऊँगी। डोरी को हमें साथ के साथ सीधा करना होगा, उसे पलटने नहीं देना है। अब यहाँ जो चोली की सेकंड लास्ट रो है मैं यहाँ से पिरोना शुरू करूँगी। इस तरह से एक डबल क्रोशिया उठा लूँगी। ये देखिए इस तरह से डोरी को पिरोऊँगी और ये जो बाजू का हिस्सा है इसे यहाँ से बैक साइड में इसे पूरा स्किप कर दूँगी यहाँ तक। इस तरह से हमें डोरी को सीधा करना है ताकि वो पलटे नहीं। बैक साइड से भी मैं इसी तरह पिरोऊंगी, एक डबल क्रोशिया इस तरह से उठाऊंगी और एक डबल क्रोशिया यहाँ नीचे स्किप कर दूंगी।
ये पूरी डोरी को मैं इसी तरह पिरो लूँगी यहाँ फ्रंट तक। फ्रेंड्स, मैंने डोरी को यहाँ पिरो लिया है, ये देखिए। और अब मैं यहाँ लटकन बनाने बताऊँगी डोरी के एंड में। जैसे मैंने यहाँ लगाई है ये लटकन, इसी तरह की लटकन मैं दूसरी उसमें भी लगाऊंगी। ये लटकन बनाने के लिए मैंने इस तरह के रेड कलर के मोती यूज़ किए हैं यहाँ पर, और ये 6 नंबर मोती यूज़ किए हैं। ये मैंने ड्रेस में भी यहाँ यूज़ किए हैं साइड पर, ये 6 नंबर के मोती हैं, और ये 4 नंबर के मोती हैं, ये भी मैंने लटकन में भी यूज़ किए हैं, और ये जो ड्रेस में यूज़ किए हैं ये सेम होती है। ये सब मैं लटकन में यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, लटकन बनाने के लिए मैंने ड्रेस के साथ का ये थ्रेड नीडल में डाल लिया है, और ये जो थ्रेड है मैंने बिल्कुल यहाँ कॉर्नर में यहाँ पर नीडल से मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पर अब मैं 6 नंबर मोती डालूँगी बड़े वाला, और एक रेड कलर का बटन, ये देखिए, और 2 मोती मैं छोटे वाले डालूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पर ये नीचे से मोती एक छोड़ दूँगी छोटे वाला, और इसे मैं निडल को वापस ऊपर लेके जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से, ये लटकन इस तरह से बन जाएगी। और अब मैं यहाँ पर डोरी की बैक साइड में यहाँ पर नॉट लगा दूँगी। ये देखिए बैक साइड में डोरी की यहाँ मैंने नॉट लगा दी है, और अब मैं ये थ्रेड यहाँ पर कट कर दूँगी। हमारी लटकन इस तरह से डोरी पर बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह मैं डोरी की दूसरी तरफ भी लटकन लगा लूँगी, और सेम इसी थ्रेड से मैंने ये बड़े वाले मोती यहाँ लगाए हैं, जो हमने ड्रेस पे ये पर्ल्स बनाए हैं यहाँ पर, मैंने सभी पर एक एक यहाँ पर ये 6 नंबर बड़ा मोती लगा दिया है। ये देखिए, यहाँ एक मैं मोती लगाऊंगी, ये देखिए। इस तरह से फिर से ऊपर नीडल को लाऊंगी, और इस मोती में से फिर से निकाल कर मोती को पक्का कर दूंगी। बैक साइड में ले जाकर यहाँ पर थ्रेड को नॉट लगाने के बाद कट कर दूंगी। ये देखिए बड़े वाले मोती सभी में इसी तरह से लग जाएंगे इस तरह, और ये जो छोटे वाले मोती हैं ये मैंने जरी के थ्रेड से लगाए हैं, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास ये जरी का थ्रेड है, जो कि ये देखिए इतना मोटा है, और इसे मैं निडल में डालूँगी, और इसी से मैं ये छोटे वाले मोती लगाऊँगी। ये मैंने जरी से इसीलिए लगाए हैं क्योंकि इनमें थोड़ा स्पेस है। अब यहाँ से ये जरी जो है यहाँ से दिख रही है, अगर मैं इसे नॉर्मल मोती नॉर्मल थ्रेड से लगाती तो वो यहाँ पर दिखता, तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये जरी यहाँ पर यूज़ की है। ये देखिए तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मैं जरी को निडल में डाल लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने जरी को निडल में पिरो लिया है, और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ जरी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ये थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं,
ये जो ट्रांसपेरेंट होता है जिससे हम माला बनाते हैं या लटकन बनाते हैं, ये आप नीडल में डालकर ये यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये भी यहाँ दिखाई नहीं देगा, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं नीडल को यहाँ डालूँगी सेंटर में और मैं यहाँ इसको यहाँ लेकर आऊँगी कॉर्नर पे, ताकि मैं इसे इस तरह से यहाँ पर मैं मोती लगा सकूँ सेंटर में। तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर नीडल को डालूँगी, ऊपर नहीं डालूँगी यहाँ से। ये देखिए, ये देखिए, अंदर लाकर यहाँ पर मोती लगाऊंगी। और ठीक यहाँ सेंटर में लेकर जाऊंगी नीडल को। ये देखिए, इस तरह से हल्के हाथों से लगाना है। ये देखिए, अब मोती के साथ साथ यहाँ थोड़ी जरी भी दिखाई देती रहेगी। और इसी तरह मैं अब इसे ऊपर लेकर जाऊंगी। और अब मैं यहाँ पर एक मोती लगाऊंगी। फिर मैं इसे यहाँ सेंटर से लेके जाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से लगाऊंगी। ये देखिए, ये इस तरह से दिखाई देने लगेगा। और फिर मैं जरी को यहाँ पर फिर से सेंटर में यहाँ पर लेके जाऊंगी। इसी तरह मैं ये जितने भी स्पेस हैं सभी में ये छोटे वाले मोती लगा दूंगी, तो ड्रेस इस तरह से दिखाई देने लगेगी। ये देखिए, और बड़े वाले मोती ऊपर लगा दूंगी और छोटे वाले मोती जरी से यहाँ नीचे। तो ये ड्रेस इसी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके साथ की ये कैप बनाने बताऊँगी। ये देखिए, ये हैट है और हम नेक्स्ट वीडियो में ये बनाने सीखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।